जो ये है ना, यहाँ के चाचा चढ़े हुए थे, वो कह रहे थे ये स्टेशन जो है यहाँ पर कुत्ते चढ़ते हैं। क्यों भाई? सही बात है भाई, वो सही बात है। ये देखिए यहाँ के वॉशरूम का हाल। और मेरे पीछे जो माचो का कच्चा आप देख रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ नहाते हैं, इधर सुखाते हैं, ये देखिए, और यहीं पर आराम से एंजॉय करते हैं। मेरे पीछे इधर भी देखिए, इधर भी पैर टूटा भैया, इधर खड़ी है मालगाड़ी जो बिल्कुल अभी खाली है, और इनके गेट खुले हुए हैं, और आगे खड़ा है इसका लोको, और इस ट्रैक पर आएगी ट्रेन पवन एक्सप्रेस 10:10 पर। ये जो केबिन देख रहे हैं ना, अब ये दुनिया की सबसे मजबूत केबिन होगी शायद, क्योंकि इस केबिन को पूरा लोहे से बनाया गया है और इतनी मजबूत है कि पूछो मत। अब तो थोड़ा बहुत इसमें आराम दिया जा रहा है, पहले इसमें बैठने के लिए चेयर इतनी मुश्किल होती थी कि पूछो मत भाई साहब। और सबसे बड़ी चीज़ का वॉशरूम आप देखेंगे ना तो आप समझो कि दंग रह जाएंगे आप। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि रेलवे की नौकरी है, अच्छी पे स्किल है, सब घूमने को मिलता है, हर चीज़ है, लेकिन भाई साहब इसकी ज़िंदगी ना उतनी तकलीफ़ है ना, इसमें एसी है ना, इसमें आप गर्मी ठंडी बरसात, आप सोचिए लोहे के डब्बे में आप घूमेंगे कैसा रहेगा आपको, गर्मी हो ठंडी हो बरसात हो, बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। मैं सोचता हूँ कि इस पर एक पूरा वीडियो बनाऊँ, कोशिश करूँगा, अगर मिला तो इस पर एक पूरा वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, और आज की यात्रा हम करने वाले हैं प्रयागराज के रामबाग स्टेशन से वाराणसी की, और हमारी ट्रेन पीछे आ रही है, तो ट्रेन हमारी लगती है प्लेटफॉर्म पर, फिर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, और ट्रेन की डिटेलिंग आपको मिलेगी ट्रेन डिपार्चर के बाद। ट्रेन अपनी आ गई है प्लेटफॉर्म पर, और यहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ होने वाली है इसी ट्रेन से। ट्रेन का नाम है पवन एक्सप्रेस, गाजियाबाद लोको के साथ Y5। ये ट्रेन अपनी नहीं है, ये ट्रेन है रांची लोकमान तिलक, गाड़ी संख्या 18609 और 610, तो अपनी ट्रेन इसके बाद आएगी, तो चलिए वेट करते हैं फिर। तो अब हमारी गाड़ी आ गई है अपने प्लेटफॉर्म पर, और ये ट्रेन लेट हो गई, रांची यात्रा करने वाले हैं जनरल क्लास में। ये जनरल क्लास बुक है ऑलरेडी पूरा, भाई साहब पैक है। ट्रेन हमारी डिपार्चर हो चुकी है, और अब आपको ट्रेन की डिटेल बता देते हैं। गाड़ी संख्या 11061, ट्रेन नंबर 11061 पवन एक्सप्रेस, जिसे LTT जयनगर एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जो LTT में लोकमान्य तिलक में 11:30 पर चलती है, और 3 दिन के बाद ये जयनगर आपको सुबह 2 बजे पहुँचा देती है। इस दौरान 45 मेजर स्टेशन को क्रॉस करते हुए ये गाड़ी 1758 किलोमीटर की दूरी को 54 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से 38:30 में ये आपको जयनगर पहुंचाती है। जयनगर वही स्टेशन है जहां पर नेपाल का बॉर्डर है, अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो जयनगर उतर के आपको दूसरी ट्रेन लेनी होगी। इस दौरान जो सबसे बड़ा मैक्सिम होल्ट है वो है प्रयागराज जंक्शन पर, जो है 25 मिनट का, 9:35 से सुबह के 10 बजे तक। और अब मैं आपको बता देता हूँ इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में। तो इस ट्रेन में 1 सेकेंड AC, 3 थर्ड AC, 12 स्लीपर, 3 जनरल के साथ साथ पेंट्री कार की भी सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं।
निवेदन किया जाए, क्योंकि भाई उसमें इतना बुरा हाल है कि आप समझ लो खुद नहीं सकते, ये हाल है और जाना ज़रूरी है सबका। बहुत होगा तो बातचीत करके देख लिया जाएगा, और नहीं होगा तो फाइन देना पड़ेगा। बुरा हाल है रेलवे का, और रेलवे जिस तरीके से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है और बढ़ने के साथ साथ कई चीज़ें जो है मुझे लगता है कि शायद माइनस हो रही है, कि जैसे कि जनरल स्पीड कुछ कम होने जा रहे हैं, है ना। पहले एक समय था जिसमें जनरल कोचे ज़्यादा होते थे, तो होनी चाहिए जितना सीट रहेगा उतना ही टिकट बिकेगा। हाँ ये तो है ही नहीं, देखो जनरल टिकट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। जनरल का कुछ ऐसा हाल है कि इसके बाहुबली वाली बात हो जाती है, तुम्हारे भुजा में बल है तो तुम्हारी सीट है, नहीं है तो फिर भाई खड़े रहो, है ना। तो ये हाल है। चलो आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। हमारी जो यात्रा है वो है प्रयागराज के रामबाग स्टेशन से वाराणसी स्टेशन तक हम यात्रा करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का ये जो बेल्ट है ये बहुत ही हरियाली वाला बेल्ट है। इस समय धान की फसलों का समय हुआ है, तो आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी वहाँ तक हरियाली हरियाली आपको दिखेगी। यहाँ पर धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, हर फसल यहाँ पर होती है। तो उत्तर प्रदेश का ये वाला जो एरिया है बहुत ही हरियाली वाला और बहुत ही उपजाऊ एरिया है। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो नौकरी छोड़कर खेती करते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खेती की बहुत अच्छी पैदावार होती है। ये वाली बहुत मस्त गाड़ी होती है, इसमें कभी बैठ के यात्रा किया जाएगा अगर मिला मौका तो। और अब अपना प्लेटफॉर्म है रामनाथपुर। वैसे यहाँ पर तो ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पर रुक गई है क्या हॉल्ट नहीं है वोट। हालत थोड़ा सा भी ख़राब है क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और ये स्टेशन है जंगीगंज। ज्ञानपुर रोड, यहाँ 2 मिनट के लिए रुकी हमारी गाड़ी। पैर टूटा भैया का, दो मिनट के बाद हमारी गाड़ी यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है और अब अगला स्टॉप होगा हमारा वाराणसी। यहाँ नए नए मित्र हमारे साथ खड़े हुए हैं, भाई सारे हमारे नए यहाँ से खड़े हुए हैं, ये सब जाएंगे वाराणसी, है ना। सारे लोग वहाँ तक जाएंगे, और ये लोग रूट जो ये है ना, यहाँ के चाचा चढ़े हुए थे वो कह रहे थे ये स्टेशन जो है यहाँ पर गुंडे चढ़ते हैं। क्यों भाई, सही बात है, सही बात है।
यहाँ पे देखो सुंदर सुंदर पौधे लगे हैं और इसमें येलो कलर के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। और हमारा प्लेटफॉर्म आने वाला है। यह बनारस जो पहले मरवाडी के नाम से था, और एक और स्टेशन है वाराणसी जो यहाँ से आगे की तरफ पड़ता है। देव की नगरी, शिव नगरी है। और सामने खड़ी है कामायनी एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टू वाराणसी। डब्बा कितना ब्लैक सा हो गया है ना, एसी कोच है, चेंज हो गया है, चेंज नहीं हुआ, इसका कलर बिल्कुल अजीब सा हो गया है। ये देखिए यहाँ के वॉशरूम का हाल। तो अभी हमारी गाड़ी रुकी है बनारस स्टेशन पर, जिसे मडवाडी के नाम से भी जाना जाता था पहले, अब इसका नाम बदल दिया गया है। और यहाँ पर इसका कोई स्टॉप नहीं है ऑफिशियल, फिर भी ये गाड़ी हमारी यहाँ पर लगभग आधे घंटे से खड़ी है। और मेरे पीछे जो माचों का कच्छा आप देख रहे हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग अगर नहाते हैं पर सुखाते हैं, ये देखिए, और यहीं पर आराम से एंजॉय करते हैं। मेरे पीछे इधर भी देखिए, इधर भी यहीं पर आराम से एंजॉय करते हैं। बढ़िया स्टेशन पर ही पानी, लाइट सब फ्री। आधे घंटे के बाद दोबारा यहां से ट्रेन चली है, तो चलो चढ़ लेते हैं। फिर से रुक गई यार। देखो वहां मस्त आराम से स्नान हो रहा, उन्हीं का मूल माचो का कच्छा था वहाँ पर जो सूख रहा था। और यहाँ पर नहाना फ्री, खाना खैर पैसे का है, बिजली फ्री, सोना भी फ्री। बढ़िया, बहुत अच्छी जगह, एक तरीके का ये आश्रम हो गया है कुछ लोगों के लिए। और सामने खड़ी है ग्वालियर टू वाराणसी बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ये है बनारस। और अब हमारी ट्रेन अगला स्टॉप है वाराणसी, तो कन्फ्यूजन ना हो, वाराणसी और बनारस का जो स्टेशन है वो अलग अलग है। टाटा नगर का 37212 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, DLW। तो बेसिकली वाराणसी जंक्शन है और बनारस जो है वो स्टेशन है। पहले इसका नाम मरवाडी था, तो बाद में चेंज करके इसको बनारस कर दिया गया है। तो यहाँ पे बढ़िया आराम से साड़ियाँ सूख रही हैं, जो आसपास के लोग हैं उनके कपड़े सूख रहे हैं, और यहाँ पर स्नान भी होता रहता है लोगों का, तो लोग आसपास ये चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई वाराणसी जंक्शन पर। ये मेंटेनेंस वाला इंजन है, इसमें स्टाफ बैठ के मेंटेनेंस करते हैं। देखो छोटा सा है बिल्कुल। ये वाराणसी जंक्शन का कुछ लुक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर के तर्ज पे बना है स्टेशन, और ये जंक्शन का बोर्ड। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर है उस तरह से इस जंक्शन को बनाया गया है। बाहर से दिखाऊंगा आपको इसको, बहुत ही प्यारा लगता है ये। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाराणसी का, जिसे मेन स्टेशन कहते हैं। ऐसा कुछ दिखता है सामने, लुक इसका ऐसा है। और इसमें रिटायरिंग रूम वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। इसकी ट्रिप लॉन्च भी है, यहाँ देखिए वहाँ सेल्फी पॉइंट भी है, देख रहे हैं, सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। वैसे मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म पे एक मेडिकल स्टोर भी होना चाहिए, कई बार इमरजेंसी में किसी को ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ भी रहनी चाहिए। यहाँ से दोबारा भीड़ चढ़ रही है। Oh.
Is reported by the news bank.